हो सकता हो लेकिन ऐसा है नहीं, थोड़ा बहुत सुनती है पर। जी जी मैम, गाड़ी नहीं यहाँ अंदर आ पाती कभी, यहाँ नहीं ये क्लियर है। हाथ से तो हो सकता है। हाँ हाँ जी जी, हाथ वाला स्प्रे तो हो सकता है। स्प्रे हो रहा है कि नहीं? अब सब लोग गली में नहाते हैं, गली में बाथरूम कुछ आवाज वाला कम्युनिटी टॉयलेट नहीं माना जाए, नॉट ए कम्युनिटी का इंडिविजुअल इसके पहले मैं परिवहन में ही तो थी, मैं ही तो प्रमुख सचिव परिवहन थी इसके पहले। ऐसी बात कर रहे हैं, मालूम है की ये पुराना बना हुआ है, नया बना है। पब्लिक वाला गाड़ी में ये मैडम छत पे आ रहा था इसलिए इन्होंने किया है। आगे बढ़ा क्या नाम है आपका? मधु। मैम उनका टेंडर हो चुका है पानी भरने की वजह से। गली बताओ कहाँ से कहाँ? टेंडर हो गया, टेंडर हो गया, नहीं बाड़ा नहीं रहेगा। वो बाल्मीकि होंगे यहीं के निवासी, उन्होंने बांध रखा है तो। जी 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 बेटा, तो छोटा सा प्रोजेक्ट दिया जो बंद किया। वो मैम आगे है, अंदर जाएंगे तो फल वो यहाँ से लेके आप इधर दिखाएं। जाने का कौन सा तरीका है? आइए इस्टीमेट और चेयरमैन साहब के टेबल पे रखा हुआ है। अभी नई सड़क बनी है, इसमें लीकेज है, ये इसकी वजह से खुद गया। लीकेज है मैम, तीन बार जो हो गई, एक महीने पहले, ऊपर एक महीने पहले, एक महीने पहले सड़क बनाने में तोड़ दिया पहले। नहीं नहीं उसके बाद हुआ, लेकिन सड़क बनाने में, सड़क बनने के बाद। सर, अब लाइट कह रहा है।
किस किस तरह की शिकायतें मिली हैं, क्या निरीक्षण किया? अलग अलग तरह के निरीक्षण हुए हैं। एक मैंने प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया था, वहाँ पे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि मेरी ज़मीन प्रोजेक्ट में चली गई है, परंतु उसका कोई स्टेटस क्लियर नहीं हो रहा है। तो वो SDM साहब से बात कराई, DM साहब ने बात की, उसकी जांच करके हम लोग पैमाइश करके उसका ठीक कराएंगे। फिर एक गांव में गए थे, वहाँ लोगों की मुख्य रूप से एक शिकायत थी कि सफाई कर्मचारी हैं, पंचायत इलेक्शन में व्यस्त हो गए हैं, अब वहाँ सफाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है। बाकी उनकी और कोई खास शिकायत नहीं थी। जो छोटी मोटी आती हैं कि उनका भी विधवा पेंशन किसी का ना हो या वृद्धावस्था पेंशन ना हो, अभी क्यू में है, तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि एक बार ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद थोड़े दिन वेट करना पड़ता है, तब होता है। तो वहाँ पे इस तरह की बातें आएंगी। उसके बाद यहाँ रामलीला का गड्ढा एक मोहल्ला है, वहाँ पे निरीक्षण किया गया। यहाँ पे कई लोग ऐसे मिले जिनके पास मकान उनके छू रहे हैं और उनके पास शौचालय नहीं है। यहाँ पे DM साहब से कहा गया है कि सार्वजनिक शौचालय बनवा दें, जहाँ पे जिसके पास स्थान हो उनको शौचालय दे दें, जहाँ तक संभव हो लोगों को मकान दे दें। बहुत सारी मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसमें कि मकान मिलते हैं, शौचालय मिलते हैं, तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसके पूरा लाभ लोगों को मिले, ये हम लोग को सुनिश्चित करना चाहिए। जगह जगह यहाँ पे रोड टूटी हुई थी, नाली टूटी हुई थी, जगह जगह पानी भरा हुआ था। तो मैंने DM साहब से कहा है कि यहाँ के जो खर्चा हुआ है पिछले 3 साल का, उसका स्पेशल ऑडिट कराए कि यहाँ पे क्यों नहीं इतनी रोड और सड़क और नाली क्यों इतनी ख़राब है। तो मुख्य रूप से अभी तक ये हुआ है। किसी पर कोई कार्रवाई हो? जब जांच होगी तब कार्रवाई होगी ना।